फोटोशॉप के अंदर दो कलर का इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाफ में देखिए ब्लू कलर है और प्लस यहाँ पे रेड कलर है। तो इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करना बहुत इजी है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एकदम सिंपल और इजीएस्ट तरीके बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप 7.0 का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास फ़ोटोशॉप का जो भी वर्सन हो किसी में भी आप कर सकते हैं, चाहे पुराना वर्सन हो चाहे नया वर्सन हो। स्टार्टिंग से चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक फ़ोटो है, देख सकते हैं चेहरे का फ़ोटो है, और लेयर पे अगर ध्यान दीजिएगा तो लेयर अभी यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लेयर यहाँ पे शो कर रहा है, लॉक भी है, अगर लॉक रहे तो भी हो सकता है। सबसे पहला जो काम करना है, आपको नीचे एक बटन दिया हुआ है एडजस्टमेंट लेयर का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर देखिएगा सॉलिड कलर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए कलर पिकर का इस तरह का पैलेट खुलता है, जो भी आपको कलर लेना है। तो यहाँ पे मैं पहला कलर यहाँ से ब्लू लेता हूँ, फुल ब्लू ले लिया, ओके पे क्लिक कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये लेयर एक बन गया है एडजस्टमेंट लेयर का। अब यहाँ पर जो नॉर्मल का बॉक्स है, यहाँ पर ब्लेंडिंग का जो बॉक्स है, यहाँ नॉर्मल के डाउन बटन पर क्लिक करना है, नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे कलर है, कलर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कलर पे क्लिक कर दीजिएगा तो जो कलर हम लोगों ने लिया है वो कलर से, इस तरह से ब्लू कलर लिया था तो ब्लू कलर से देखिए इस तरह से ये तस्वीर हो चुका है। अब करना क्या है, ये जो ऊपर वाला लेयर है एडजस्टमेंट वाला लेयर है, अब इसका एक और कॉपी क्रिएट करना है। तो इसको सिंपल जो तरीका है, इसको यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करके नीचे न्यू लेयर का बटन है उस पर ला के इस तरह से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद क्या होगा, इसका एक कॉपी बनता है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे एक कॉपी बन जाता है, ये देखिए इसको मैं ड्रैग करके यहाँ से लाके यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो इसका एक कॉपी बन गया। अब हमारे पास दो लेयर है लेकिन दोनों का कलर क्या है, ब्लू कलर है। तो ये जो थंबनेल वाला ये जो आइकन दिख रहा है, इस पर दो बार डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो इस तरह से कलर पिकर का एक पैलेट खुलता है। अब यहाँ से जो दूसरा कलर आपको चूज़ करना है, इस तरह से स्लाइडर को ऊपर कीजिए और यहाँ से जो आपको दूसरा कलर पसंद है, सपोज़ रेड पसंद है मुझे, तो रेड सिलेक्ट किया। अब ओके पे क्लिक कर देंगे। अब करना क्या है, अब सिर्फ रेड कलर हो गया है। अब यहाँ पे आपको ये जो है आपका फोरग्राउंड कलर और नीचे है बैकग्राउंड कलर, ये वाला तो ऊपर आपको ब्लैक रखना है, नीचे यहाँ पर वाइट रखा है। उसके बाद ब्रश टूल पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से मैंने जो ब्रश लिया है, देख सकते हैं जो धुंधला वाला ब्रश रहेगा थोड़ा फेड नुमा, वो ब्रश आपको ले लेना है। जैसे यहाँ पे मैं अगर 200 लेता हूँ, ले लिया है। और उसके बाद इस जगह पे या यहाँ पे इस साइड में अब सिंपली इस तरह से आपको ड्रैग कर देना है। ये देखिए मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा, देखिए ये देखिए हाफ ब्लू एंड हाफ रेड, इस तरह से दो कलर का इफ़ेक्ट आप फोटो पर ईज़िली आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है।